तो काइजर लॉस सैंटोस में पहली बार पुलिस वालों ने खोला खुद का कार्स और बाइक्स का शोरूम। इसका मतलब है कि लॉस सैंटोस के पुलिस वाले अब से बेचने वाले खतरनाक पुलिस की सुपर कार्स और बाइक, और इन सारी गाड़ियों में से उनके पास एक खतरनाक सी $100 मिलियन की बुगाटी, जो कि स्पेशली दुबई के शेख ने खुद अपने हाथों से बनाई है, और वो पूरी की पूरी गाड़ी डायमंड की है। तो काइजर मैंने तो कभी आज तक नहीं देखा कि पुलिस वालों का खुद का शोरूम है और वहां पे पुलिस की गाड़ियां भी मिल रही है। तो इसलिए हम आ चुके हैं इस खतरनाक से पुलिस के शोरूम में देखने के लिए इनके पास कौन कौन सी गाड़ी है और क्या हम इनमें से कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं। चलो काइजर फटाफट से शोरूम के अंदर अभी हम आ चुके हैं, और आप देख सकते हो अंदर घुसते ये खतरनाक सी पुलिस की बाइक, एक सुपर बाइक, कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। अंकल ये बाइक कितने की है? हेलो अंकल ये बाइक कितने की है? अरे क्या गूंगे हो क्या? अंकल ये बाइक कितने की है? अरे सर वो सिक्योरिटी है, वो बात नहीं करते। मुझे बताओ आपको क्या चाहिए? आप कौन हो यहाँ के? सर मैं हूँ यहाँ का मैनेजर, ओनर, पायलट, इंस्पेक्टर, हवलदार, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबका सब मैं हूँ। बताओ सर आपको क्या चाहिए? मुझे पूछना था ये बाइक कितने की है, मुझे बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही है। सर बाइक को छोड़िए, हमारी कारें देखिए, वो और भी ज्यादा अच्छी है। कारें भी देखूंगा पर बाइक तो बताओ कितने की है। सर ये बाइक आपको मिलेगी $15 मिलियन। मेरे दिल में झटका पड़ गया। अरे सर क्या हो गया? $15 मिलियन की ये बाइक, ऐसा क्या है इसके अंदर? सर इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक चीज है। क्या खतरनाक चीज है? सर ये एक बाइक है और उसके ऊपर पुलिस लिखा हुआ है। और आगे? और कुछ नहीं, बस इतना ही। क्या ये बाइक है और उसके ऊपर पुलिस लिखा हुआ है, उसके $15 मिलियन? मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कोई गाड़ी दिखाओ, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। सर ये है वन एंड ओनली कॉर्वेट, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पुलिस एडिशन कॉर्वेट, ये बहुत ही ज्यादा तेज चलती है। क्या बहुत ही ज्यादा तेज चलती है? कितना तेज चलती है? सर पहली बात तो गाड़ी के ऊपर तो चढ़ो मत, और इस गाड़ी की स्पीड जाती है 540 तक। क्या 540? ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये कितने की है? सर वैसे तो ये गाड़ी है $50 मिलियन की, पर आपकी शक्ल मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, इसलिए मैं आपको ये गाड़ी दूंगा सिर्फ $49 मिलियन में। ये क्या $49 मिलियन? $1 मिलियन कम किए और उसने मैं खुश हो गई? ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी है, पर इसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सर ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी गाड़ी है, मुझे कोई सस्ती गाड़ी बताओ। सस्ती गाड़ी आइए सर दिखाता हूँ। सर ये लेक्सस इंटरसेप्टर पुलिस एडिशन, ओनली $25 मिलियन। क्या 25? अरे अंकल आप पागल हो क्यों? सस्ती गाड़ी बोल रहा हूँ। सर सस्ती का मतलब समझाइए मुझे। सस्ती का मतलब होता है सस्ती, टिकाऊ, बहुत ही अच्छी चलने वाली। सर आपको कितने में गाड़ी चाहिए? आप यकीन नहीं करोगे, आज मेरा बजट बहुत ही ज्यादा है। कितना सर? $50 मिलियन की $100 मिलियन? नहीं, पूरे के पूरे 6,700 रुपए। क्या 6,700? क्या बोल रहे हो ये? हाँ सर 6,700। हमारे पास जो ये सबसे महंगी गाड़ी है ना, अगर हम इसकी वॉशिंग भी करा देना तो $1,00,000 लगते हैं, और आपके पास सिर्फ 6,700 है। यहाँ से बाहर निकलिए। अरे सर मेरी बात सुनिए, मुझे कोई बात नहीं सुननी, इधर से बाहर निकलो। सर वैसे पूछना चाहता हूँ ये वाली गाड़ी कितने की है? ये गाड़ी है पूरे $100 मिलियन की। अगर तुम अपना घर बार शरीर सब बेच दोगे ना, फिर भी तुम्हें $100 मिलियन कभी नहीं मिलेंगे। निकल जाओ यहाँ से। अरे चारों ऐसे कोई बात करता है? ओनर हो तो क्या हो गया, ऐसे बात करोगे? बहुत ही ज्यादा बेशरम लोगे यहाँ पे तो। अरे सिक्योरिटी वाले भाई साहब, मुझे ये वाली गाड़ी की टेस्ट ड्राइविंग करनी है, कर रहा हूँ ना मैं। क्या करो? बाय। गाड़ी का लेके जा रहे हो? चलो काइजर फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। ये देखो मेरा भी पीछा रहा है, आ जा पकड़ के दिखा। अरे रुक जाओ, आ जा पकड़ के दिखा। क्या हो गया इंस्पेक्टर? अरे ये क्या कर रहे हो, हम पुलिस वाले। अरे पुलिस वाले हो गए तो क्या हो गया? चलो काइजर हमने एक खतरनाक सी बाइक चुरा ली है, ये कितनी ज्यादा खतरनाक है। और काइजर ये गाड़ी सही में बहुत ही ज्यादा फास्ट है, ये नॉर्मल पुलिस बाइक से सही में बहुत ही ज्यादा फास्ट है, और ये $15 मिलियन की है। तो काइजर जैसे हमने इस खतरनाक सी सुपर बाइक को चुराया पुलिस वालों से, वैसे ही मैं सारी की सारी सुपर कार्स भी चुराने वाला उन पुलिस वाले शोरूम से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, सारी की सारी सुपर कार्स आज हमारी होने वाली है। अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, एक पुलिस वाले के शोरूम में चोरी हो गई। लॉस सैंटोस में अगर किसी को भी ये बात पता चली कि पुलिस वाले के शोरूम में चोरी हुई है तो हमारी तो नाक कट जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, हमें और भी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए मैं बुलाने वाला हूँ मिलिट्री को। मिलिट्री
जी, मेरे मिलिट्री वालों दोस्तों, मेरी बात सुनो। इस शोरूम की पूरी सिक्योरिटी करनी है, और कोई भी काला इंसान दिखे जो कि बनियान में हो, सीधा उसको गोली मार देना, उसने हमारी गाड़ी चोरी करी है। ओके सर। तो कैसर, अभी आप देख सकते हो, मैंने इस पुलिस वाले को इतने चाटे मारे कि यहाँ पे सो चुका है, और इसके मेरे सारे के सारे कपड़े भी पहन लिए। कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा हूँ। और अब से मेरा नाम हो चुका है इंस्पेक्टर मुइसा, क्योंकि इस ड्रेस पे यही लिखा हुआ लगता है इसका यही नाम होगा। पर अब ये मुइसा तो नहीं रहा, पर अभी मैं आ चुका हूँ। चलो फटाफट से इनके शोरूम में जाते, वो भी एक पुलिस वाला बन के, और अब देखना मैं कितनी स्मूथली गाड़ी चुराऊंगा। मतलब आज तक किसी ने ऐसी गाड़ी नहीं चुराई होगी। सब लोग प्लान करते हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे चुराते हैं खतरनाक सी गाड़ी। जाएंगे इधर, यहाँ पे जाके हम बैठेंगे अपनी गाड़ी के अंदर। अरे इंस्पेक्टर, गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हो? राउंड पर जा रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए जाइए। ओके ओके। और ऐसे चुराते हैं गाड़ी। भाई कितना ज्यादा इजी था, आप देख सकते हो, हमने इतने खतरनाक से शोरूम से गाड़ी चुरा ली जहाँ पे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, और आप देख सकते हो कितनी ज्यादा खतरनाक है। और कैसर, हमें एक और अपनी खतरनाक सी गाड़ी मिल चुकी है, जो कि हमने बहुत ही ज्यादा इजीली चुरा ली। तो फटाफट से कमेंट करके बताओ, ये गाड़ी ज्यादा अच्छी है या फिर वो जो बाइक थी वो ज्यादा अच्छी है? पर कैसर याद रखना, सबसे अच्छी तो होने वाली है $100 million वाली बुगाटी, वो भी पुलिस एडिशन। उसको चुराने के बाद आखिरकार मैं सोचूंगा कि मैं सबसे खतरनाक चोर हूं इस दुनिया का। तो चलो फटाफट से चलते अपनी अगली गाड़ी चुराने। बच्चे मेरी बात सुन, गली से जैसे बाहर निकलेगा पुलिस स्टेशन आएगा, और जहाँ पे उनका नया शोरूम खुला है उधर से देखो इनकी एक गाड़ी चुरानी पड़ेगी। अरे भैया, गाड़ी तो मैं चुरा लूंगा, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मैं तुझे मोमोज खिलाऊंगा। अरे भैया, मैं क्या आपको 10 साल का बच्चा लगता हूँ? मुझे मोमोज नहीं, वो गाड़ी आप जितने भेजोगे उसका 50% चाहिए। क्या 50% गाड़ी का? अरे बच्चे, छोटा ही रहे। चलो ठीक है, फिर मैं आपका काम नहीं करूँगा। अरे नहीं, मेरी बात सुनो, 50% बहुत ज्यादा, थोड़ा कम करते हैं। ओके, 45%, 10%, 40%, 12%, 25%, 13%, लास्ट 25%। बच्चे देख, मैं लास्ट बोल रहा हूँ, 15% और डन। ओके भैया, डन। तो चाह फटाफट से वो गाड़ी ले आ। ओके भैया, आप टेंशन मत लो, उस गाड़ी को अभी के भी लेके आता हूँ। आजकल के बच्चे भी ना सीधा सीधा मोमोज खिला रहा था, पर नहीं, उसको 15% चाहिए। मैं उस गाड़ी को बेचूंगा तो उसमें से उसको 15% चाहिए। मतलब अगर वो गाड़ी 10 मिलियन की हुई तो मुझे 1.5 मिलियन उसको देने पड़ेंगे। चलो चलो फटाफट से चलते हैं, आज तो पुलिस स्टेशन में से गाड़ी चुराऊंगा। अरे यहाँ पे क्या चल रहा है? अरे मैं बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूंगा? मेरी गाड़ी चोरी हो गई, पहले मेरी बाइक, अब मेरी सुपर कार। अरे ये पुलिस वाले तो रो रहे हैं, चलो फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठते और लेके इसको निकलते। अरे ये क्या, ये गाड़ी की आवाज कहाँ से आई? अरे ये क्या, वो बच्चा कहाँ जा रहा है? बाय बाय अंकल, अरे ये गाड़ी तो बहुत ही अच्छी है, चलो चलो फटाफट से लेके चलते हैं इसको। भैया मैं आ गया। अरे ये देखो भैया, आपकी गाड़ी आ गई। अबे इतनी जल्दी ले आया? अरे क्या, पुलिस वालों ने तुझे रोका नहीं क्या? अरे भैया मैं इतना छोटा हूँ ना, किसी को मैं दिखाई नहीं, सीधा गाड़ी ले आया। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अरे काजरी, बच्चा तो बहुत ही ज्यादा काम का निकला। भैया मेरा 15% मत बोलना। अरे हाँ, तेरा 15% मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। तो कैसर, अभी हमें एक और खतरनाक सी पुलिस की सुपर कार मिल चुकी है। ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा आसानी से गाड़ी ले आया। मैंने तो सोचा आधा एक घंटा लगेगा इसको चुराने में, पर ये तो 2 मिनट में गया और लेके भी आ गया। तो ये वाली गाड़ी तो हमने बहुत ही ज्यादा इजी चुरा ली। बस इस गाड़ी को हम बेचेंगे तो जितने पैसे मिलेंगे उसमें से 15% उस बच्चे को देने पड़ेंगे। वो इतनी ज्यादा जल्दी इस गाड़ी को लेके ना, मैं सोच रहा हूँ उसको 20% देने की। आप फटाफट से कमेंट करके बताओ, उस बच्चे को मैं कितना परसेंट दूं इस गाड़ी को बेच के, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता देना। और हमें ये खतरनाक सी गाड़ी तो मिल ही चुकी है, चलो फटाफट से चलते अपनी अगली गाड़ी चुराने। तो गाइस, अगली गाड़ी चुराने के लिए हमने बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी यार पुलिस वालों को पता तो चल ही चुका है कि हम वहाँ पे बहुत खतरनाक चोरी कर रहे हैं। धीरे धीरे करके उनकी सारी गाड़ियां चोरी होती जा रही है, तो वो अपनी सिक्योरिटी को 100% बहुत ही ज्यादा बढ़ाने वाला है। इसलिए हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा प्लान बनाना पड़ेगा। और प्लान जब भी बनेगा, जब आप वीडियो को लाइक करोगे, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, तब तक मैं एक बढ़िया सा प्लान बनाता हूँ। हेलो अंकल, कैसे हो? आपका स्वागत है। अगर आपको सिक्योरिटी की जरूरत है तो बताइए, मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा। सिक्योरिटी? तो गाइस सर, मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा प्लान आ चुका है। अंकल मेरी बात सुनो, मुझे 10 सिक्योरिटी वाले चाहिए, वो भी आर्मर्ड कार के साथ। ओके भैया, मिल जाएंगे, ओनली $1 million। हाँ, आपको $1 million मिल जाएंगे, पर पहले मुझे सिक्योरिटी
होनी चाहिए, फिर आपको पैसे मिलेंगे। ओके भैया, नो टेंशन। तो मैं आपको फोन कर दूंगा, आप आ जाना। तो गाइस मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आ चुका है, मैं एक बिलियनर बन के उस शोरूम में जाने वाला हूँ। मेरे साथ होगी बहुत सारी सिक्योरिटी और उधर हम जाके ऐसा करेंगे कि एक बहुत ही बड़ा बिलियनर उनके शोरूम में आया गाड़ियां खरीदने। तो गाइस उससे पहले हमें यार एक बिलियनर दिखना ही पड़ेगा, तो फटाफट चलते हैं अपना लुक चेंज करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हम आ चुके हैं यहाँ पे एक सूट खरीदने, क्योंकि यार बिलियनर लोग यार ऐसे यार बनियान और चड्डे में नहीं घूमते, इसलिए हमें एक अच्छा सा सूट खरीदना पड़ेगा। तो देखते हैं कौन सा सूट हम खरीद सकते हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये वाला सूट अभी हमने खरीद लिया है। तो गाइस सूट तो हमने खरीद लिया, पर वो पुलिस वाला हमें पहचानता है, इसलिए मुझे थोड़े से यार चश्मा टोपी और ये सब पहनना पड़ेगा ताकि मुझे वो पहचान ना पाए। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हम निकल चुके हैं उस पुलिस वाले शोरूम के लिए, और मेरे पीछे पूरी की पूरी सिक्योरिटी आ रही है और हमारा प्लान भी बिल्कुल रेडी है। तो गाइस फटाफट से भी हम आ चुके हैं पुलिस शोरूम में और अभी हमारा प्लान शुरू करते हैं। हट जाओ, हट जाओ, हमारे सर आ रहे हैं, हट जाओ, हट जाओ। अरे कौन हो तुम लोग? हम हमारे सर के बॉडीगार्ड से, वो लॉस सैंटोस के सबसे बड़े बिलियनर हैं, वो शोरूम में बहुत सारी गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। बुलाओ उनको, हम उनको गाड़ियां दिखाएंगे। वो आएंगे, उससे पहले हमें पूरी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। हट जाओ, हट जाओ। यहाँ पर बहुत सारी पुलिस है, पूरी सिक्योरिटी है, आप टेंशन मत लीजिए। इतनी सारी सिक्योरिटी है फिर भी तुम्हारी गाड़ियां चोरी हो रही है, हमें पता चला। अरे वो चलो चलो चुप हो जाओ, हम चाहते हैं कि तुम सारे सारे पुलिस वाले मिलिट्री वाले को यहाँ से निकाल दो। क्या सबको निकाल दें? क्यों निकाल दें? हमारे सर यहाँ पर जब आएंगे जब सिर्फ उनकी सिक्योरिटी यहाँ पर होगी। ऐसा नहीं हो सकता, ये शोरूम की सिक्योरिटी है। अच्छा ठीक है, फिर हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारे सर ने बोला था वो यहाँ सारी की सारी गाड़ियाँ खरीदेंगे। अच्छा रुको रुको, सारी गाड़ियाँ खरीदोगे? सारी की सारी, 100 मिलियनर वाली भी? 100 मिलियनर वाली भी। अच्छा ठीक है, मैं अपनी सिक्योरिटी वालों को यहाँ से भगाता हूँ। सिक्योरिटी मिलिट्री यहाँ से जाओ। अरे सर मुझे नहीं लगता आपको सारे के सारे सिक्योरिटी को यहाँ से भेजना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा बोल रहा है, इसको मार दो। अरे ये क्या कर दिया, मैंने मिलिट्री वाले को मार दिया। आपको कोई दिक्कत है क्या? दूसरे शोरूम में जाएंगे हम? नहीं नहीं, दूसरे शोरूम में मत जाना, आइए आइए, देखो सारी सिक्योरिटी चली गई, आइए आइए। हमें पहले हर जगह चेक करना पड़ेगा, आ जाओ बॉयज, हर जगह खड़े हो जाओ, चेक करो। सर आप बाहर आ सकते हैं, हमारा काम हो चुका है। क्या हमारा काम हो गया? बहुत अच्छे, चलो गाइस फटाफट से चलते हैं। आप देख सकते हो लॉस सैंटोस का बिलियनर यहाँ पर आ चुका है। और अंकल क्या हाल है? अरे ये तो वही लड़का है जिसने मेरी सारी गाड़ियाँ चुराई है, चोर चोर चोर। ए मैनेजर चुपचाप बैठ जाओ वरना गोली मार देंगे। अरे सिक्योरिटी मुझे बचाओ। अरे अंकल आसपास तो देखो कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ मेरी सिक्योरिटी है, आपका कोई मिलिट्री वाला नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है। ये क्या किया तुमने, ये तुम्हारा प्लान था क्या? और नहीं तो क्या, ये पूरा का पूरा मेरा ही प्लान था। और गाइस हमारा प्लान बिल्कुल ढंग से काम कर गया, अब मैं आराम से गाड़ी चुराऊंगा, कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा। मैं ये खतरनाक सी इंटरसेप्टर चुराने वाला हूँ, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगती है। इसका इंटीरियर आप देख सकते हो कितना ज्यादा मस्त है, और यहाँ पे लिखा हुआ चुका ऑफिसर। ओ आज से मैं भी ऑफिसर बन चुका हूँ। चलो फटाफट चलते हैं इस गाड़ी को लेके यहाँ से। और गाइस हमने एक और खतरनाक सी पुलिस वालों की इंटरसेप्टर लेक्सस चुरा ली है, और ये बहुत ही ज्यादा महंगी गाड़ी है। और गाइस मेरे बॉडीगार्ड्स ने उस शोरूम में पूरा कंट्रोल कर रखा है, तो हम जल्दी जल्दी बाकी की सारी गाड़ियां भी चुरा लेते हैं उससे पहले कि पुलिस वाले वहां पर आ जाए। फटाफट इसको मैं पार्किंग में लगा के आता हूं और चलते अपनी अगली गाड़ी चुराने। अरे ये क्या हो गया, हमारी एक और गाड़ी चोरी हो गई, पर कोई बात नहीं, इसके सारे बॉडीगार्ड्स को मैंने पकड़ लिया, अब ये सब उगल देंगे, इनके ओनर के बारे में बताएंगे जो मेरी सारी की सारी गाड़ियां चुरा रहा है। मेरी इतनी सारी सिक्योरिटी उस काले चोर को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, उसने मेरी चार चार गाड़ियां चुरा ली है, पर अब वो एक गाड़ी भी नहीं चुरा पाएगा। आजा काले चोर। ला ला ला, चलो गाड़ी चु 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 चु। अरे इतने सारे लोग, अबे ये क्या हो गया, ये इतने सारे पुलिस वाले और मिलिट्री वाले यहाँ पे कैसे आ गए? तो गाइस मुझे लगता है मेरे सारे के सारे बॉडीगार्ड्स को इन मिलिट्री वाले और पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। अगर इन्होंने सिक्योरिटी वालों से कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो मेरा घर पता सब कैसे बता देंगे, पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। रुको मेरे पास एक आइडिया है, पुलिस वालों और मिलिट्री वालों तो मरेंगे ही मरेंगे, साथ में मेरे सिक्योरिटी वालों को भी मारने वालों, क्योंकि उनको मेरे बारे में सब पता है। तो क्या आप तैयार हो एक खतरनाक सी वॉर शुरू करने के लिए? 3, 2, 1 ये लो। अरे ये क्या हो रहा है, ये लेजर कहाँ से आ रही है? इनको मैं नहीं छोड़ने वाला, ये लो पुलिस वालों, इन सबको मैं खत्म करने वाला हूँ, ये लो ना सबको मार दूंगा। अरे ये क्या हो रहा है, ये लेजर कहाँ से आ रही है? सबको मार दूंगा। अरे हमारे सर हमें बचा रहे हैं, हमारे सर आ गए। तुम में से किसी ने मेरे बारे में बताया तो इन्ना? सर हमने नहीं बताया, बस आपका नाम पता है, एड्रेस फोन नंबर दे दिया। क्या
मेरा फोन नंबर दे दिया तुम्हारी तो सालो ये लो सब पे धक्को मार दूंगा। तो गाइस वैसे तो मेरे ये सिक्योरिटी वाले थे पर इन्होंने मेरा नाम पता एड्रेस फोन नंबर सबका सब दे दिया तो इसलिए मुझे इन सबको मारना पड़ा। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी सारी ऐसा लगता है पूरी की पूरी यहाँ पे गैंग वॉर हुई है और इतने सारे पुलिस वाले और इतने सारे लोग मर चुके हैं। पर कोई बात नहीं हमें क्या फर्क पड़ता है हमें तो हमारी खतरनाक सी गाड़ी मिल चुकी है। और गाइस अभी आप देख सकते हो हमने खतरनाक सी फरारी चोरा ली वो भी पुलिस एडिशन। ये आप देख सकते हो कितनी ज्यादा खतरनाक है ये तो बहुत ही खतरनाक फरारी हमें मिल गई। क्या आपने कभी देखी है फरारी वो भी एक पुलिस एडिशन मैंने तो कभी नहीं देखी पर अभी हमने इसको चुरा लिया है और मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है इसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा तेज है। तो गाइस हमने ये तो चुरा ली अभी भी वहाँ पे दो दो गाड़ियां और खड़ी है चलो फटाफट से उनको चुराने चलते हैं। तो गाइस अभी हम वापस से आ चुके हैं यहाँ पर वो आखिरी दो गाड़ी अबे ये क्या अबे पुलिस वाले कहाँ सारे अरे जल्दी बैठो जल्दी बैठो। अरे गाइस सामने देख सकते हो कितने सारे पुलिस वाले यहाँ पे आ रहे हैं अबे ये कहाँ से आ गए एकदम से अरे जल्दी इस गाड़ी को निकालना पड़ेगा यहाँ से। अरे गाइस मेरे पीछे तो बहुत ही ज्यादा पुलिस आ रही है अरे लगता है पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को पता चल चुका है कि इनकी गाड़ियां चोरी हो रही है और बहुत ही ज्यादा पुलिस आ रही है। तो गाइस गाड़ी तो हमें मिल गई पर सामने से पुलिस बहुत ही ज्यादा आ चुकी है तो मुझे यहाँ से फटाफट से निकलना पड़ेगा। अरे पुलिस वाले क्यों मारा निकल जाए ऐसे। अरे भाई साहब ये तो स्पेशल मिलिट्री टीम वाले यार ये क्यों आए हैं मेरे को मारने। तो गाइस ये गाड़ी तो वैसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसमें जो लैपटॉप दे रखा है ना उसमें से मैं देख सकता हूँ कि कहाँ पर पुलिस आ रही है और कहाँ पर नहीं है तो थोड़ा सा एस्केप करने में मदद जरूर मिलेगी। चलो फटाफट से निकलते सामने ये पुलिस खड़ी है यहाँ से जाएंगे फटाफट से हमें सारे सारे शॉर्टकट ट्राई करके यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि गाइस अगर इन पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा और अगर जेल में डाला वैसे तो जेल में डालेंगे नहीं सीधा गोली मारेंगे क्योंकि मैंने इतना बड़ा क्राइम किया इतनी सारी गाड़ियां चोरी तो पक्का मुझे जेल में डालने से पहले 10-15 गोली तो मार ही देंगे। तो गाइस अगर मैं जेल में गया तो कम से कम 50 साल के लिए जेल में जाऊंगा और मुझे जेल में बिल्कुल भी नहीं जाना तो इसलिए मुझे कैसे भी करके पुलिस से एस्केप करनी पड़ेगी। और गाइस वैसे ही गाड़ी बहुत ही ज्यादा फास्ट है पुलिस वाले मुझे देख भी नहीं पा रहे और मैं कितनी ज्यादा स्पीड में चला रहा हूँ अरे भाई साहब मैं तो उसके ऊपर से निकल गया आगे देख के क्यों नहीं चलाता मैं गाड़ी अब ये हेलीकॉप्टर कहाँ से आ रहे हैं अरे इतना बड़ा तो मैंने क्राइम भी नहीं किया कि हेलीकॉप्टर मेरे पीछे भी जा रहे हैं जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो गाइस अभी भी मेरे पीछे बहुत ही ज्यादा पुलिस आ रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे एस्केप कराऊं। रुक जाओ मुझे पता है मुझे क्या करना है इन पुलिस वालों को मुझे पागल बनाना पड़ेगा उससे पहले मुझे गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा मेरे से गाड़ी नहीं चल रही ढंग से यार। मैं पुलिस वालों को देख के इतना ज्यादा डर चुका हूँ कि भाई मेरे से गाड़ी भी कंट्रोल नहीं हो रही। अभी पुलिस वाले थोड़े से दिख नहीं रहे चुपचाप से इस गली के अंदर जा लेते कि पुलिस वाले मुझे देख नहीं पाएंगे और ये सायरन बंद कर देते पर उनको सायरन पूरा टाइम आवाज आती रहेगी। चलो गाइस अभी हम घुस चुके खतरनाक सी गुफा में और यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम बिताने वाला हूँ जब तक मेरे पीछे से पुलिस वाले नहीं हट जाते और जैसे हटेंगे मुझे लैपटॉप में पता चल जाएगा कि मेरे पीछे से पुलिस हट चुकी है तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। और गाइस अभी भी वो 100 मिलियन डॉलर वाली बुगाटी को चुराना बाकी है और गाइस वो सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि लॉस सैंटोस की पूरी पुलिस वालों को पता चल चुका है कि एक जना है जो कि गाड़ियां चुरा रहा है तो इस बार तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है वहां पे गाड़ी चुराना। पर हम कैसे भी करके वो 100 मिलियन डॉलर वाली बुगाटी चुरा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और गाइस लैपटॉप में मुझे नोटिफिकेशन आ चुका है कि पुलिस वालों ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया है तो लगता है अब मेरा सेफ होगा यहाँ से निकलने का। तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और चलते अपनी 100 मिलियन डॉलर वाली बुगाटी चुराने। मुझे बस ध्यान रखना पड़ेगा अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा तो मेरा जिंदा बचने का कोई चांस नहीं है। अगर जिंदा बच गया तो हमेशा हमेशा के लिए जेल में जाऊंगा और अगर मर गया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो फटाफट से चलते हैं बुगाटी चुराने। तो गाइस पुलिस वाले और मिलिट्री वालों ने मिलकर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी कर ली है वो इस 100 मिलियन डॉलर वाली गाड़ी को चोरी होने ही नहीं देंगे। पूरे के पूरे शोरूम के हर चारों तरफ पुलिस वाले छतों पे पुलिस वाले पता नहीं कहां कहां पर पुलिस वाले आ चुके हैं। अब चोरी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है पर मेरे लिए नहीं क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लान है। मैं बन चुका हूँ एक दुबई का शेख। और गाइस आपको तो याद होगा वो जो 100 मिलियन डॉलर वाली गाड़ी है वो एक शेख ने बनाई है और वो गाड़ी पूरी की पूरी डायमंड की है तो मैं एक खतरनाक सी गोल्ड लिमोसिन में आ चुका हूँ एक शेख बन के। हबीबी हम आ गई हम अपनी गाड़ी को देखने आई हबीबी। रुक जाओ तुम कौन हो? हबीबी तुम हमको नहीं पहचानती वो जो पीछे गाड़ी होती वो हमने बनाई होती। हम कैसे मान ले? हबीबी तुम कैसे नहीं मानेगी उस गाड़ी को हमने अपने हाथों से बनाती वो मेरे बच्चे जैसा होती मुझे अपनी गाड़ी को देखना होती प्लीज साइड होती। हम तुमको नहीं जाने देंगे। ऐसे कैसे नहीं जाने देती हमको अपनी गाड़ी देखने देती तुम्हारे ओनर को बुलाती हम उससे बात करती। हमारे ओनर मर चुके एक काला सा चोर जो कि सारी गाड़ियां चुरा रहा है उसने हमारे ओनर को मार दिया।
हबीबी ये क्या हो गया, वो तो हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त होती। हबीबी हमको अपने दोस्त को देखना होती, कहाँ पर मिलती? उनका पीछे इलाज चल रहा है। हबीबी हमको उनका इलाज देखना होती, हमको जाने दे दी, हटती हटती। हम तुमको अंदर नहीं जाने दे सकते, रुक जाओ रुक जाओ। हमको कोई नहीं रोक सकती, मेरे दोस्त। हबीबी कहाँ पर हो तुम? तो कैसर अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पर अंदर घुस चुका हूँ एक शेख बन के। और कैसर मुझे इस गाड़ी को चुराना है, पर सामने बहुत सारी सिक्योरिटी है, मैं कैसे चुराऊं? रुको मेरे पास एक आइडिया है, मैं चुपचाप से इस टैंक के अंदर घुसने वाला हूँ। चुपचाप से पीछे चलते हैं और इस टैंक के अंदर बैठ जाते हैं। हबीबी थोड़ा साइड होती। तो कैसर अभी हम इस टैंक के अंदर बैठ चुके हैं और अब आपको तो पता ये क्या होने वाला है। 3, 2, 1 बूम, ये लो हबीबी कैच करो, हबीबी सारे के सारे पुलिस वालों, हबीबी। अरे मैं अपनी लिमोजिन को क्यों मार रहा हूँ? तो कैसर अभी आप देख सकते हो मैंने सबको मार दिया भाई, क्या ही प्लान बनाया था मैंने। चलो फटाफट इस बुगाटी के अंदर बैठते हैं, आखिरकार हमें ये खतरनाक सी बुगाटी मिली गई। और कैसर आप सोचोगे कि मैं इसके बीच में से इसको कैसे निकालूंगा? बहुत ही इजी है, क्योंकि एक 100 मिलियन डॉलर वाली बुगाटी है तो इसमें बहुत सारे फीचर है। एक बटन दबाओ ये जंप करेगी और हम सीधा आ गए बाहर। गोल्डन लिमोजिन को यहाँ पे मैं छोड़ने वाला हूँ क्योंकि हमारे पास ये खतरनाक सी डायमंड की बुगाटी आ चुकी है। और कैसर इसकी स्पीड आप एक बार देखो भाई, कितनी ज्यादा खतरनाक है। इसमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक मशीनें लगी हुई हैं। मैं किसी भी गाड़ी को टच करूंगा तो वो दूर उड़ते हुए जाएगी और मेरे पीछे भी फिलहाल बहुत सारी पुलिस पड़ चुकी है। इसको देखो, इसको उड़ाते, ये ले, इसको टच करते, ये कैसे हवा में गई। मैं किसी को कुछ भी कर सकता हूँ। और कैसर मुझे खतरनाक सी आखिरकार 100 मिलियन डॉलर की बुगाटी मिली गई है। और कैसर मैं आपको बता दूं, ये गाड़ी पूरी की पूरी डायमंड से बनी हुई है, इसके अंदर डायमंड ही डायमंड है। और ये पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं कर सकते भाई, देखो तो सर, मैं इनको सिर्फ टच करूंगा ये कितना ज्यादा दूर उड़ेंगे। और इसकी स्पीड तो वैसे ही बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और हाँ, ये एक फ्लाइंग कार भी बन सकती है, अभी आपको करके दिखाता हूं। बस हमें ये वाला बटन दबाना है और ये हमारी फ्लाइंग कार एक्टिवेट हो गई। और भाई साहब के तो अरे बैठ गया, थोड़ा चलाना सीखना पड़ेगा, फ्लाइंग कार चलाना थोड़ा ज्यादा सा मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, हम इसको जल्दी से सीख लेंगे। अभी सीखते हैं। ओ क्या है, उड़ रही है, उड़ जा उड़ जा। तो गाइस अभी हमारा फ्लाई बोर्ड बिल्कुल ढंग से एक्टिव हो चुका है, चलो फटाफट से इसको उड़ाते हैं। और ये उड़ गई। गाइस आप देख सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक है ये, हमारा फ्लाई बोर्ड चालू हो चुका है और इस हम गाड़ी को जितना चाहे उतना उड़ा सकते हैं। मैं एक दुबई का शेख बन चुका हूँ और ये जो गाड़ी है वो एक दुबई के शेख ने बनाई थी अपने हाथों से। तो मैं सोच रहा हूँ इस गाड़ी को लेके क्यों ना सीधा दुबई जाया जाए, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। चलो गाइस मैं तो जा रहा हूँ दुबई, लॉस सैंटोस छोड़ के मैं जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए दुबई। अगर आपको भी मेरे साथ चलना है तो फटाफट से कमेंट कर दो, दुबई चलो दुबई चलो। तो गाइस अच्छी वर्से भी थी, अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चाहे वो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं लगी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके चैनल फॉलो कर लेना। और गाइस हम मिलेंगे आपको दुबई में और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।